जी हाँ दोस्तों रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली से जरा हटकर बात करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज के बारे में जो 26 दिसंबर से शुरू होनी है सेंचुरियन मैदान पर तीन टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे तीन ओडीआई मुकाबले खेले जाएंगे रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस में उपलब्ध नहीं है उनकी कमी खलेगी ये हम नहीं बल्कि खुद विराट कोहली ने कहा है ये करारा तमाचा उन लोगों के मुंह पर जो कहते हैं रोहित वर्सेज विराट जो कहते हैं विराट और रोहित के बीच अनबन है तो आप देख लीजिए विराट कोहली साफ अपने बयान में कर रहे हैं कि विराट को कमी खलेगी रोहित शर्मा की अगर रोहित शर्मा टीम में मौजूद नहीं

अगर हम मानसिकता आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करते हैं तो हम निश्चित रूप से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं कोहली ने कहा कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहां हमने अभी तक एक भी सीरीज नहीं जीती इसलिए हम जीतने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हम सिर्फ एक टेस्ट जीतने के बारे में नहीं सोचते हम सीरीज जीतने की पूरी कोशिश करते हैं भारत ने कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका में आपको बताया दोस्तों आंकड़े तो बीस टेस्ट मैच खेले हैं लेकिन केवल तीन में ही जीत हासिल करिए दो में टीम पिछले दौरे में दो एक से हार गई थी साउथ अफ्रीका को घर में हराने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और श्रीलंका रही है अब ये देखते हैं कि इसी लिस्ट में टीम इंडिया का नाम सामने आता है या नहीं लेकिन ये काम विराट कोहली को बिना रोहित शर्मा यानी बिना उपकप्तान की गैर मौजूदगी में करना होगा के एल राहुल को शायद के उपकप्तान की भूमिका मिल सकती है और रोहित शर्मा की जगह प्रियंक पांचाल को टीम में एंट्री तो मिली है लेकिन ओपनिंग मयंक अग्रवाल करते नजर आ सकते हैं तो ये कुछ चीज़ें हमें साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान देखने को मिल सकते हैं लेकिन कुछ दिनों पहले जिस तरीके से ओडियाई कप्तानी विराट कोहली छीन कर रोहित शर्मा को सौंपी गई उससे काफ़ी ज़्यादा सभी के मानसिकता पर असर पड़ा रोहित वर्सेज विराट शुरू हुआ लेकिन अभी रोहित वर्सेज विराट खत्म करके इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका शुरू करना होगा क्योंकि जहाँ कोई नहीं जीता टीम इंडिया पहले जिस जो अधूरा काम है जो पूरा करना है इतिहास रचना है वो काम दोस्तों करके रहेंगे विराट कोहली विराट ने ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हराया इंग्लैंड के मैदान पर इंग्लैंड को हराया अब बारी है साउथ अफ्रीका की क्योंकि दोस्तों साउथ अफ्रीका को हराना मुश्किल बात है उनके गेंदबाज में जो धार है उनकी बल्लेबाजी में जो तलवार है जिस तरीके से वो काम करते हैं पूरा टीम वर्क देखते हैं वो दोस्तों दिल खुश करने वाला होता है लेकिन टीम इंडिया क्या इस टीम को तोड़ते हुए सीरीज पर कब्जा कर पाएगी या नहीं ये सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ हम करते हैं वीडियो का अंत आंसर आप दीजिए कॉमेंट सेक्शन में क्या विराट की कप्तानी में टीम इंडिया इतिहास रचने के लिए तैयार है या नहीं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट